Hello you guys, welcome back on your favorite channel XOAD. This is Ray and today I am going to show you guys कि कैसे आप अपने PC को fast कर सकते हैं without using any app. तो दोस्तों उससे पहले मैं last में आपको बता दूंगा कि last में एक tip देने जा रहा हूँ जो आपकी PC को काफी fast रखने में मदद करेगा. तो आप video को last तक देखें. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है कि desktop पे रहना है, कहीं भी आप रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको विंडोज प्लस आर दबाना है, विंडोज की प्लस आर, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेस करना है परसेंट TEMP%. एंटर मारते ही आपकी कुछ विंडोज खुलेगी, इस टाइप की विंडोज खुल जाएगी और इसमें बहुत सारे फाइल होंगे. इस सब को आपको डिलीट कर देना है. घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्रॉप्टेड फाइल है. हम लोग जैसे कि जो यूट्यूबर है वो आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइनर है वो ऑटो कैट यूज़ करते हैं, वैसे बहुत सारे ऐप जो क्या है क्या करती है कि आपकी बहुत सारी क्रॉप्टेड फाइल बना देती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती पर वो भी बना देती है. तो वो हमारी विंडोज़ में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है. तो हमें टाइम टू टाइम इसे डिलीट करना पड़ता है ताकि हमारा PC फास्ट रहे, ठीक है. तो इसको कंट्रोल ए दबा के डिलीट कर देना है. ये देखिए हमारा 313 MB का फाइल क्रॉप्टेड था, मीन्स 313 MB आपकी स्पेस इसने कैप्चर करके रखा था. कुछ चीज़ें डिलीट नहीं होंगी दोस्तों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर. फिर विंडोज़ प्लस आर दबाना है, उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना है TEMP. अब इसके आगे पीछे परसेंट नहीं लगाना है, अब डायरेक्ट एंटर करना है. यहाँ भी बहुत सारी कॉपीड फाइल होगी, मैंने सुबह ही डिलीट किया था तो यहाँ पे नहीं है, मे बी आपका हो सकता है, तो उससे भी सब आप डिलीट कर लें, ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. उसके बाद क्या करना है आपको, फिर विंडोज प्लस आर दबाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है परफेक्ट PREFECTCH प्रीफेच और कंटिन्यू प्रेस करना है. देखिए यहाँ पे भी 158 फाइल्स है, ये भी सारी क्रॉप्टेड है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. अब जो लास्ट है हमारा वो है रिसेंट फाइल, तो उसे भी करते हैं विंडोज प्लस आर रिसेंट. ये सारे आपके रिसेंट फाइल होंगे जो आप यूज़ करते हैं, इसे भी टाइम टू टाइम डिलीट करना पड़ता है. वैसे ये ज़्यादा MB नहीं खाती है बट आप डिलीट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, तो यही थी हमारी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे अपनी फास्ट कर सकते हैं. और आप लोग टिप के बारे में सोच रहे होंगे, हाँ टिप ये है कि अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है कि टाइम आप जाके बार बार डिलीट करें एंड ऑल, ये नहीं करना है, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है CC क्लीनर. वो ऐप दोस्तों बहुत अच्छा है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो उसमें स्कैन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ जो क्रॉप्टेड फाइल है वो डिलीट कर देते हैं. सो आप वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने PC को फास्ट रख सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़. प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. पीस. जय हिंद.